और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सापू के जहर के मामले में जेल में बंद एल्विस यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। थोड़ी देर में एल्विस सहयोगी ईश्वर और विनय पर कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एल्विस यादव से जुड़ी हुई सांपों के जहर के मामले में जेल में बंद एल्विस यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कुछ देर बाद यानी थोड़ी देर बाद एल्विस उसके सहयोगी ईश्वर और विनय पर कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट किस तरह का फैसला सुना सकता है, क्या एल्विस को मिलेगी जमानत या फिर अब होली एल्विस जेल में ही मनाने वाले हैं तो किस तरह के फैसला आने वाला है, इसकी किसके लिए कुछ देर का इंतजार करना पड़ेगा। सांपों के जहर के मामले में जेल में इस वक्त एल्विस यादव बंद हैं, जमानत याचिका पर सुनवाई हो चुकी है, कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। थोड़ी देर में एल्विस सहयोगी ईश्वर और विनय पर भी कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। बातचीत करने के लिए हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज कोर्ट में क्या हुआ, कितनी देर में फैसला आ जाएगा? हिमांशु आवाज आ रही है? लगता है हिमांशु तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन एल्विस यादव का ये पूरा मामला सांपों के जहर का मामला है, जेल में बंद एल्विस यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हो चुकी है, कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। थोड़ी देर में एल्विस सहयोगी ईश्वर और विनय पर भी कोर्ट फैसला सुना सकता है। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या एल्विस को जमानत मिलेगी या फिर इस बार एल्विस को होली अपने जेल में ही मनानी पड़ेगी। जमानत के लिए अर्जी दी गई थी, सुनवाई पूरी हो चुकी है, कुछ देर में कोर्ट में फैसला आना है जिसका सबको इंतजार है। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कोर्ट में क्या हुआ, कितनी देर में फैसला आ जाएगा? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और जो जज है एसीजेएम, उन्होंने सुरक्षित माना जा रहा है कि लंच के बाद कभी भी ऑर्डर आ सकता है। लेकिन इस दौरान आपको बता दें, सुनवाई के दौरान जो एल्विस के वकील है उन्होंने तमाम तथ्य रखे हैं, अपनी बात रखने की कोशिश की है। और इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया है कि एनडीपीएस के साथ धारा 120 भी नहीं लगाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने एफआईआर पर भी सवाल उठाए थे और एफआईआर में ये कहा था कि ये सेक्शन 55 के तहत किसी एनजीओ को ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की परमिशन नहीं रहती। इन तमाम तथ्यों को एल्विस के वकील ने रखा था। इसके साथ ही पुलिस की तरफ से भी प्रभावी पैरवी की गई, अपने हस्ताक्षर रखे गए हैं, कुछ एविडेंस भी यहाँ पर मुहैया कराए गए। अब ऑर्डर सुरक्षित रख लिया गया। साथ ही आपको बता दें कि जो एल्विस के दो अन्य साथी विनय और ईश्वर है, इनकी बेल पर भी आज ही सुनवाई हुई है। तो माना जा रहा है कि आज लंच के बाद कभी भी ऑर्डर आ सकता है और उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि एल्विस को जेल है या बेल है। जी बिल्कुल, जिस तरह की जिरह हुई है हिमांशु, सबसे बड़ी बात यह है कि जमानत के लिए अर्जी तो दी गई है, लेकिन जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में एल्विस का है, दोनों पक्षों की तरफ से किस तरह की दलीलें दी गई और क्या यहां से लगता है कि इसे राहत मिलेगी, जमानत मिल पाएगी? देखिए आपको बता दें, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कल से होली की छुट्टी है। अगर आज जो बेल पर सुनवाई हुई है उसमें अगर बेल मिलती है तो ठीक है, नहीं एल्विस को आने वाले 3 से 4 दिनों में जेल में ही रहना होगा, जेल के बैरक में अपनी होली मनानी होगी। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आज का दिन काफी अहम था और आज बेल पर सुनवाई हुई है पहली बार। इससे पूर्व एक दिन पहले एडजर्न हो गई थी कोर्ट और आज की तारीख लगी थी, लिहाजा तमाम जो तथ्य है वो पुलिस की तरफ से भी रखे गए, जो विवेचक है वो भी मौके पर मौजूद थे, इसके अलावा जो सरकारी वकील थे वो भी मौजूद थे और एल्विस के वकीलों ने भी अपनी दलील रखी है। पुलिस की तरफ से अगर बताएं तो तमाम तथ्य रखे गए, डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं और जो कुछ विवेचना में रहा है वो तमाम तथ्य जज के सामने पेश किए गए थे और जज ने दलीलों को सुनने के बाद ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है और माना जा रहा है कि ये ऑर्डर अब कभी भी आ सकता है। और ठीक है, जैसे ही ऑर्डर आता है एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हिमांशु फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।